सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको एक और नए लेक्चर के अंदर, एक और नई वीडियो के अंदर, एक और नए लाइव सेशन के अंदर। तो भाई कैसे हो आप सब, सही हो रही है पढ़ाई त्योहारों के बीच में, रिवीजन सही से हो रहा है, जो अपन पढ़ रहे हैं रेगुलर समझ में आ रहा है सबको। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। बेसिकली आज हमारा टॉपिक क्या है, नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस पार्ट टू। मतलब बेसिकली आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ। ठीक है, तो भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अपन लाइव आ चुके हैं, एक्साइटमेंट कैसी है आप सबकी, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो कैसे हो आप। चलो भाई बढ़िया बात है। नाइस नाइस नाइस। ओके तो भाई इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अनअकैडमी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा देना। ये क्यों दबा देना, क्यों? क्योंकि अगर आगे वाली कोई वीडियो मैं लेकर आया तो भाई मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको मिस करो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो भाई मैं तो कुछ मिस नहीं करूंगा, बट हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर दो। ठीक है, तो भाई आप भी कुछ मिस मत करो, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ मिस मत करना है दो। ठीक है, तो फटाफट शेयर बटन पर क्लिक कर दो और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो दोस्तों को कि भाई सर आ गए हैं पार्ट टू लेके, इसके अंदर अपन 3NF और BCNF के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके भाई, तो भाई जल्दी से कमेंट डाउन करके बताओ कल हमने क्या पढ़ा था। ये तो वो तो कॉमन सेंस की बात है भाई, अपन 3NF BCNF की बात कर रहे हैं तो भाई अपन ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा होगा। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बात है। ओके ओके चलो नाइस। तो दो पार्ट में वेट करें, आने दें सबको, फिर शुरू करें सेशन। चलो भाई बढ़िया बात है। जब तक तो सारे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जब तक तो अपन क्या करते हैं, क्विक रिवीजन शुरू करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था कल। ओके आ जाओ फिर। तो भैया अपन ने पढ़ा था कल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, किस किस काम के अंदर आती है, क्यों क्यों इसको यूज करा जाता है। भैया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किस चीज़ को, रिटेंडेंसी को, और क्या करते हैं डेटा की इंटीग्रिटी को करते हैं इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अब भैया इंटीग्रिटी और रिटेंडेंसी के बारे में आपने बताया था क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली बात देखो रिटेंडेंसी का मतलब हो गया डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा। डुप्लीकेसी का मतलब हो गया कि भाई एक डेटा जिसको अपन बहुत बार एक टेबल के अंदर स्टोर कर रखा है। ठीक है चलो भाई, इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि भाई डेटा ज़्यादा रिलायबल हो, ट्रस्ट करा सकते हैं, या उसकी जो अपने कह सकते हैं कि टाइम जो अपन करने जा सकते हैं भाई कॉम्प्लेक्सिटी इन्हेंस करने का काम करती है, यानी रिलायबल बना देती है डेटा को, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा रिलायबल होता है डेटा। ठीक है भाई ओके, अब चल लेते हैं भाई। अपन ने एक टेबल ली थी, इसके अंदर अपन ने कुछ एनोमलीज के बारे में जाना था कि भाई एनोमलीज कौन कौन सी होती है, भाई आपकी इंसर्शन हो गई, अपडेशन हो गई, डिलीशन हो गई, का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि भाई इंसर्शन में कैसे प्रॉब्लम आएगी, डिलीशन में कैसे प्रॉब्लम आएगी, अपडेशन में कैसे प्रॉब्लम आएगी। तो भाई इंसर्शन में कैसे प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई अपने पास इनसफिशियंट डेटा है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, अपडेशन के अंदर कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, मान लो 6 जगह डेटा रखा हुआ है आपका, 4 जगह अपडेट हो पाया तो बची हुई 2 जगह क्या होगा, इरेगुलरिटी आ जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी की वजह से क्या होगा भाई डेटा रिलायबल नहीं बचेगा। अगला आ गया भाई डिलीट की वजह से, मान लो कोई डेटा किसी एक जगह पर रखा हुआ है तो अपन उस डेटा को डिलीट करने जा रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या हुआ, तो स्टूडेंट का डेटा भी चला गया, या फिर ऐसा डेटा भी चला गया जो इंटेंशनली गया नहीं है बट अपन ने डेटा लॉस कर दिया है। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हाँ जी क्लियर हो गई थी ये कल। ठीक है फिर अपन ने और थोड़ा डिस्कस किया था, फिर अपन ने जाना था कि एक प्रोसेस जानी थी कि भाई कैसे अपनी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म काम करती है, कोई नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भाई आपका अननॉर्मलाइज फॉर्म है उसको पहले 1NF में कन्वर्ट करना पड़ता है, किस हेल्प से करोगे आप, रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप, जो आपके रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको रिमूव करके पार्शियल डिपेंडेंसी हटाते हैं अपन। तो भाई
वन एन एफ से टू एन एफ में कन्वर्ट हो जाता है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है वो अपन ने डिस्कस करी थी। आ रही है भाई चीज़ें याद आ रही हैं या भूल गए? चलो भाई भूलने की कोई बात नहीं है, क्विक रिविजन के साथ साथ में सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है फिर अपन क्या करेंगे आज, आज अपन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का ध्यान रख के उसको हटाएंगे। ठीक है फिर अपन ऐसा करके बी सी एन एफ के अंदर देखेंगे भाई क्या होती है भाई, सुपर की का रोल होता है कि भाई आपका जो आर एच एस है या एल एच एस है वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। ठीक है ठीक है भाई, ये वाला कंसेप्ट आज अपन पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? चलो भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में जाना था कि भाई ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू और एटॉमिक वैल्यू। भैया क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि भाई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए रिलेशन आर के अंदर। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? वो एट्रीब्यूट जो कि अपने अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कोर्स हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया एंड मैनी मोर। ठीक है कुछ भी हो सकता है भाई मल्टी वैल्यू के अंदर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फिर अपने एग्जाम्पल लेके देखा, फिर अपने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे एनरोल्ड कोर्स का, मान लो इसने बहुत सारे कोर्स को कर रखे हैं। फिर अपन ने दो तीन इसके तरीके देखे कि भाई अपन ने एक ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने डिकम्पोजिशन करके इसको दो दो पार्ट में वो कर दिया टेबल को। ठीक है फिर अपन ये आराम से जाना, फिर अपन आ गए भाई सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि भाई देयर इज नो एनी प्राइम, सॉरी ए भाई टू एन एफ क्या कहती है कि देयर इज नो एनी प्राइम, एक सेकेंड, तो आपकी टू एन एफ क्या कहती है कि देयर इज नो एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन रिलेशनशिप आर पार्शली डिपेंडेंट टू प्राइम एट्रीब्यूट। यानी कि आपका कोई भी नॉन प्राइम जो एट्रीब्यूट है वो तो पार्शली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, एक प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर। क्योंकि भाई क्या चीज़ होती है कि भाई ईच एंड एवरी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट विल बी रिलेटेड विद की वैल्यू। चलो भाई एज्यूम कर लिया अपन ने, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपके जो नॉन प्राइम है एट्रीब्यूट्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, पार्शली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। भैया पार्शली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? भैया अपन ने एक्सप्लेन करा था पार्शली डिपेंडेंट का मतलब, पार्शली डिपेंडेंट का मतलब हो गया मान लीजिए कि आपका ए और बी क्या है इसके अंदर आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, और आपका सी क्या है, इसमें नॉन प्राइम है। भाई नॉन प्राइम कौन से होते हैं? भाई प्राइम पहले तो कौन से होते हैं? भाई प्राइम वो हो गए जो आपके कैंडिडेट की के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कैंडिडेट की कौन सी है? अपनी ए बी है ना, और प्राइम कौन से हो गए? प्राइम हो गए आपके ए कॉमा बी। क्या चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है भाई तो भाई अपने प्राइम एट्रीब्यूट जान लेते, फिर नॉन प्राइम कौन से हो गए जो बच गए उसके अलावा, फॉर एग्जाम्पल सी ओ डी। क्या चीज़ क्लियर हो रही है? हाँ या ना? तो भाई अपना नॉन प्राइम क्या है, अपने जो नॉन प्राइम कौन सा रह गया इसमें, नॉन प्राइम रह गया आपका डी। ठीक है नॉन प्राइम रह गया आपका डी, एक अपनी ये हो गई, और एक इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अगर एक को अपन रिप्लेस कर दें इस केस में तो अपना एक और अपनी कौन सी बन जाएगी जिसकी हेल्प से अपन बना पाएंगे, तो अपना ए बी सी, ए बी सी। ठीक है ये अपनी क्या बनेगी, दो कैंडिडेट की बन गई। ठीक है कैंडिडेट की बन गई, तो भाई नॉन प्राइम कौन सा रह गया अपने पास, नॉन प्राइम अपना हो गया डी। इस केस में क्या हो रहा है भाई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से अपना डी डिपेंडेंट है, पार्शियल डिपेंडेंट है। ठीक है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी वाली चीज़ हो गई कि वैन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स टू अ प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है ये अपने क्लियर करा था, फिर अपने कुछ एग्जाम्पल जानने थे इसके। ओके ये कल चीज़ अपने क्लियर होती जा रही थी, अपने आपके सामने भाई चेक मार्क वगैरह करे थे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, अब आगे चलते हैं अपने उसके ऊपर। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसका, अपने टू एन एफ। चलो भाई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के अंदर अपन ने लिया वे एक रिलेशन आर लिया कि देर इज अ रिलेशन आर, इसके अपन ने एट्रीब्यूट लिए फॉर एन एग्जाम्पल अगेन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी।
ठीक है। अब इसकी जो एफडीज हैं वो अपन ने कैसे डिफाइन करी है, अपन ने डिफाइन करी है एफडी का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ना, अपन ने डिफाइन कर दी मान लो इस तरीके से। ये फॉर एन एग्जांपल ए बी इज एसोसिएट विद सी, ठीक है, और बी इज एसोसिएट विद जो बच गया अपना डी, ये अपन डिफाइन कर दी। अब भैया इस केस में क्या हो रहा है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। जी हाँ बिल्कुल है। अब ये कैसे है बताओ भाई मेरे को। इस केस में अपने वो क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए जो कैंडिडेट की पार्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका ए कॉमा बी, ठीक है। इस केस के अंदर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया आपका आपका सी कॉमा डी, इनमें से कोई एक इस पे डिपेंडेंट है, जी डिपेंडेंट है, कौन सा, एक सेकंड देना प्लीज मेरे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ तो अपन कहाँ थे, क्या डिपेंडेंट है, हाँ जी डिपेंडेंट है ये रहा। तो ये क्या 2NF के अंदर है, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अगेन डिकम्पोजिशन वाला लगा के भाई टेबल क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे भाई, कैसे डिवाइड कर रहे होंगे भैया, इनको कर दो अलग अलग। पहला बना दो आपकी एक रिलेशन आर वन, इसके अंदर अपन ले लो ए कॉमा बी कॉमा सी, अगले ले लो आपका आर टू, इसके अंदर अपन ले लिया बी कॉमा डी, तो दो रिलेशन बन गए। तो क्या इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी बची, नहीं बची, क्यों नहीं बची, क्यों भाई इसकी फंक्शनल वो क्या हो गई, ए बी सी से हो गया इसमें, और इस वाले में क्या हो गया बी कौन एरर कर रहा है डी, क्या चीज़ समझ में आ रही है, हाँ जी समझ में आ रही है, आ क्या रही है भैया, तो कल ही समझ में आ गई थी हमको, ठीक है। चलो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिनट देना मेरे को, शायद मैं थोड़ा कलर में चेंज कर दूँ तो शायद आपको ढंग से समझ में आ जाए, ये ढंग से अपन अलग कर पाए चीज़ों को। तो अपने दो टेबल बना दी, चलो भाई आगे चलें भाई। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अपन जब ढंग से इंट्रक्शन हो रहा होगा अपना, अपन वो चीज़ क्लियर करते जाएंगे शायद में साथ। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने मेन उसके अंदर, इसको अपन कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो अपना टॉपिक क्या है आज का, टॉपिक है अपना थ्री एंड एफ मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म। भैया थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, क्या चीज़ करते हैं, कैसे कैसे होती है, अगर किसी को पता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप चैट बॉक्स में लिख दो, अगर नहीं पता तो भाई अपन शुरू करते हैं इसको। भैया ये ऐसा कहा जाएगा कि भाई ऐसी नॉर्मल फॉर्म जिसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। भैया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है वो भी समझेंगे अपन, ये ऑब्वियसली बात है अपन समझ रखी है, ठीक है। भैया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अपन ने पढ़ी थी पहले के उसमें, जब अपने फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला टॉपिक करा था, तो भाई किस किसको याद है अपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या पढ़ी थी, क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, कब बोल सकते हैं अपन इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले अपन लिख रहे थे 3NF क्या होता है। तो बेसिकली 3NF क्या होता है कि भाई सपोज इन अ रिलेशन आर, ठीक है, इज सपोज इन हटा सपोज अ रिलेशन आर, चलो सपोज भी हटाए थे यार, क्यों सपोज में चल लो,
रिलेशन आर इज सेड टू बी इन थ्री एन एफ, कब कहा जाएगा? वैन इट इज ऑलरेडी इन टू एन एफ, वैन इट इज ऑलरेडी इन टू एन एफ एंड हैविंग नो पार्शल डिपेंडेंट, सॉरी नो ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। वही ये क्या होता है कि भाई कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि हैविंग नो एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इन रिलेशन आर विच इज इन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। ट्रांजिटिविटी देना मेरे को विच इज इन डिपेंडेंसी विथ द की ऑफ ए, विथ द की ऑफ आर। भैया डेफिनेशन तो थोड़ी ऐसी लग रही है कि भैया समझ ही नहीं आ रही, क्या भूल दिया आपने। भाई एक सिंपल सा वो रख के चलो कि भाई ऐसी एक रिलेशन जिसके अंदर अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है तो वो किस में नहीं होगी, वो थ्री एन एफ के अंदर नहीं आएगी। भाई पहली कंडीशन तो अपन क्या लगेगा कि भाई टू एन एफ के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अगली चेक क्या करनी है, भाई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। Why this eraser is not working here? Eraser को यूज करो। अरे क्या हो गया भैया? ओके क्या नहीं होना चाहिए? As no transitive dependency. अगर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो भी भैया चेक मार के। अब भैया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है? भाई अपन ने पढ़ा था फॉर एन एग्जाम्पल, अपने पास ए एसोसिएटेड है बी के साथ और बी एसोसिएटेड है आपका सी के साथ। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो बी है वो किस पे डिपेंडेंट है? ए पे। और आपका सी है वो किस पे डिपेंडेंट है? बी पे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ए से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ए से बी निकल रहा है और ऑब्वियसली अगर बी अपने पास है तो अपन बी की वैल्यू से सी भी निकाल लेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ए से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होगी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। चलो भाई अब थ्री एन एफ का आगे बढ़ते हुए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। भैया एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल के साथ में चलेंगे तो भाई ढंग से समझ में आ रहा होगा। फॉर एन एग्जांपल एक्स रिलेशनशिप है, वी हैव अ रिलेशनशिप आर, अगेन आर के अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है अब भैया इसकी एफ डीज क्या क्या है?
उसकी एफडीज अपन ने मान ले ली, आपका ए बी है, सी से वो रखा है एसोसिएट हो रखा है, सी किससे हो रखा है, डी से। ठीक है, अभी अपने का रिलेशन है, उसको ओपन कर देते हैं थोड़ा रंग बिरंगा। ये अपना एक रिलेशन हो गया। ओके चलो, अब सबसे पहले इसमें चेक करो कि भैया सी कैंडिडेट की क्या क्या हो गई। कैंडिडेट की बताओ मेरे को कौन कौन सी है इसमें, क्या मैं कह सकता हूँ इसके अंदर कैंडिडेट की होगी अपनी ए और बी। क्यों भाई, ए और बी की हेल्प से अपन सब कुछ निकाल सकते हैं, ए और बी। ठीक है, इसकी कैंडिडेट की होगी ए बी। ठीक है भाई, ए बी होगी। अपन चल लेते हैं इसमें, निकालते हैं भाई प्राइम एट्रीब्यूट। भाई प्राइम एट्रीब्यूट कौन से इसमें बताओ भाई, हटाओ हटाओ। ऑब्वियस सी बात है, प्राइम एट्रीब्यूट वही होंगे जो उस कैंडिडेट के अंदर आ रहे हैं, तो आपके हो गए ए कॉमा बी। और अगर नॉन प्राइम कौन से हो गए, ऑब्वियस सी बात है जो प्राइम के अलावा वो बच गए वो कौन से हो गए, नॉन प्राइम हो गए। ठीक है, अब इसमें चेक करते जाओ, 3NF के अंदर है नहीं है। 3NF से पहले अपन क्या चेक करना पड़ेगा भैया, 1NF में है नहीं है भैया, 1NF में चेक करो। और 1NF के केस में आपको बस ये अज्यूम करना है, अगर पूरा डेटा दे रखा है भाई, नाम और नंबर और मोबाइल नंबर पूरा एक ही चीज़ दे रखी है, तो भाई आपको 1NF चेक करना है। अगर नहीं करना तो भाई सपोज कर लो कि वी डोंट हैव बी सफिशियंट डेटा, वी डोंट हैव सफिशियंट सफिशियंट डेटा, सो वी अज्यूम, सो अज्यूम दैट इट इज इन 1NF। यस भाई, 1NF में तो हो गई, अब चेक करो 2NF में है नहीं। 2NF की कंडीशन क्या थी, पार्शियल डिपेंडेंसी वाली, बताओ भाई। टू एन एफ के अंदर है, बताओ भाई कमेंट करके। पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्या कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डेराइव कर रहा है, जी नहीं। इसमें कौन से ए बी, क्या कोई ए बी इंडिविजुअली किसी को डेराइव कर रहा है, क्या ए की हेल्प से अपन डी निकाल पा रहे हैं, क्या ए की हेल्प से अपन सी निकाल पा रहे हैं, क्या बी की हेल्प से अपन सी निकाल पा रहे हैं, या बी की हेल्प से अपन डी निकलवा पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे भाई, ठीक है, बट ए बी को दोनों को मिला के अपन निकलवा पा रहे, तो ये वैसे कैंडिडेट की है वो तो भाई उससे तो निकलेगा ही, तो यहाँ पे अपन कह सकते भाई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो हैज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये किसमें है भाई, इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी है। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं अपना थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। चलो भाई, क्या इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इस वाले रिलेशन के अंदर, जी हाँ बिल्कुल है। अगर अपना ए भी है तो अपन सी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन डिकम्पोज करें तो भाई ए की हेल्प से भी सी निकल सकता है, या ए, एक मिनट, डिकम्पोज करें तो भाई ये चीज़ आ रही है, तो अगर अपने पास ए बी है तो अपने पास सी भी आ जाएगा, सी आ गया तो फिर डी भी आ जाएगा। या अपन ये कह सकते हैं कि भाई अगर अपने पास ए बी है तो अपन इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, या यही ट्रांजिटिविटी रूल कहता है, जी हाँ कहता है, तो भैया हैज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ है भाई, डी के अंदर है, इसके साथ है विद ए बी के साथ, ए बी के साथ में है, तो अभी इसको ठीक करो। तो ये अपना क्या हो गया, ये एक एरर आ गया।
जिसने प्रॉब्लम कर दी बीच में आके, वरना अपनी अच्छी वाली टेबल 3NF में जा रही थी। अब नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते। अब चेंज कैसे करोगे भाई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जिसके ऊपर आ रही है उसको अलग टेबल में रख दो, बाकी सबको अलग टेबल में रख दो। ठीक है भाई, कैसे करना है, सिंपल सी बात है। ऐसे करना है कि मान लो अपनी बेस टेबल क्या थी, अपनी बेस टेबल थी भाई रिलेशनल आर, क्या था, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब इसको टुकड़ों में बांट दो, पहला कौन सा हो गया अपना ए बी सी। ठीक है भाई, रिलेशनल के अंदर ले लिया अपने ए बी सी, अगले में ले लो आपका कौन सा रह गया, सी डी। चलो भाई अगले में सी डी ले लो, इनकी एफ डी क्या हो गई भाई, ए बी सी से हो गया, इसकी एफ डी क्या हुई, इसकी एफ डी हो गई भाई सी डी से हो गया। अब मेरे को बता, पार्शियल डिपेंडेंस होने के लिए एटलीस्ट दो एफ डी तो होनी चाहिए ना अपने पास, तभी तो आप पार्शियल डिपेंडेंस चेक कर पाओगे। आया ना, बताओ समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो आगे अपन एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है उससे समझ में आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आए भाई, कमेंट डाउन कर दो, अपन दूसरा तरीका लेंगे। ठीक है, क्या चीज़ क्लियर हो रही है, हाँ या ना। चलो कोई बात नहीं, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सा। फॉर एन एग्जांपल, देर इज अ रिलेशन, अगेन रिलेशन ले लेते अपन, क्या ले लिया अपन रिलेशन आर, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा। ठीक है, हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, तो भाई सर रिलेशन ही लिया, इसमें क्या दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसके लिए लेते हैं अपने एफ डीज, या क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ होती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी अपन इसकी ऐसे डिफाइन करते हैं, फॉर एन एग्जांपल ए है आपका, किससे एसोसिएट हो रखा है, एक सेकेंड यहाँ प्लीज। जहाँ पर ए है वो किससे एसोसिएट हो रखा है, इसके अंदर अपन ने कर रखा है ए को एसोसिएट कर रखा है, इसके अंदर गिवन के अंदर दे रखा है आपको बी सी एफ से। ठीक है, एट द सेम टाइम आपका सी क्या डेराइव कर रहा है, सी आपका डेराइव कर रहा है डी और ई। ठीक है, तो इसकी हुई एफ डी। ठीक है, क्लियर है। और इसमें अपन को जानना ही पहले तो ले कैंडिडेट की बता दो मेरे को, या इसमें कैंडिडेट की कौन कौन सी है, वैसे तो कैंडिडेट की निकालो इसमें, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी हेल्प से अपन सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर ए है तो भाई बी पता लग रहा है, अगर ए है तो भाई सी पता लग रहा है, ए है तो आपका एफ पता लग रहा है ना, ये तीनों साथ में पता लग रहे हैं, अब ए सब पता लग रहा है तो भाई सी तो आ ही गया, अब सी की हेल्प से अगर आ गया तो भाई डी और ई भी पता लग जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ अपनी कैंडिडेट की, इसमें ए होगी, आया ना बताओ। ठीक है, चलो भाई अब मेरे को बता, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, ऑब्वियसली बात है प्राइम एट्रीब्यूट एक ही होगा इसमें, क्यों, क्योंकि भाई वो अकेला ही पार्ट है। फिर बता नॉन प्राइम कौन से हो गए, नॉन प्राइम हो गए अपने जो बच गए सारे बी सी डी ई एफ, क्या चीज़ समझ में आ रही है सबको, बिल्कुल आ रही है। अब क्या करो, उसको चेक करना शुरू करो कि भाई कौन से उसके अंदर है, भाई ऑब्वियसली बात है इसके अंदर भी क्या कर रखा, डेटा नहीं दे रखा, भाई अपन क्या मान लेते हैं कि ऑलरेडी इन
ऑलरेडी इन वन एन एफ। सेकेंड है भाई टू एन एफ चेक करें, टू एन एफ के लिए क्या चेक करना होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी। कैसे पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्या कोई भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम, सॉरी आपका कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है? जी नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ए पे कौन सा डिपेंडेंट है इसमें, या फुल्ली कोई भी डिपेंडेंट है? नहीं है भाई, हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इसमें क्या हो रहा है, तीनों साथ में डिपेंडेंट है, इंडिविजुअली कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, इंडिविजुअली कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, सब एक ग्रुप के अंदर आ गया वो पा रहे हो कि अगर ये तीनों साथ में आएंगे तो अपन इसको आइडेंटिफाई करवा पाएंगे, वरना नहीं आइडेंटिफाई करवा पाएंगे। ठीक है, अपन को चेक करना क्या है कि भाई थ्री एन एफ, तो भाई डी ई के बीच में क्या हो रहा है, यह बन रही है भाई आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि अपन भाई सी यहाँ आ रहा है तो सी की हेल्प से क्या कर पाएंगे, अपन डी ई भी डेराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई हैज लिख दिया कि हैज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। डेटा एनालिसिस तो ये किस में नहीं है, थ्री एन एफ में नहीं है। अब नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, टेबल को कर दो डीकम्पोज, टेबल को कर दो डीकम्पोज, कितने पार्ट में कर दो। मान लो अपनी बेस टेबल क्या है, रिलेशनल हो गया अपना ए बी सी डी ई एफ जी, जी नहीं था ना, एफ तक ही था। इसमें एफ डी दे रखी है, इसमें ए किससे हो गया, ये आपका डिपेंडेंट हो गया, इसमें क्या दे रखा है बी सी एफ, बी सी एफ से। और अगला क्या दे रखा था, सी किस दे रखा है, डी ई से। ठीक है, और भैया टुकड़ों में बांटना शुरू करो कि भाई जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है अपने को उसको अलग फेंक दो। ठीक है, अब अलग फेंक देंगे अपन, तो भाई कौन कौन सी साथ में आ जाएंगी, तो पहले के अंदर ले लो आपका आर वन के अंदर ये वाला अपना आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एफ। अगले के अंदर ले लो भाई दूसरा वाला, शायद मेरे पीछे छुप रहा होगा, आया ना, बिल्कुल छुप रहा है, अभी थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसे, ये अभी भी छुप रहा है मेरे ख्याल से, भाई अब नहीं छुपना चाहिए। रिलेशन अपन ले लिया दूसरा, तो मैंने ले लिया सी डी कॉमा ई, क्या चीज़ समझ में आ रही है, सी डी ई क्यों लिया अपन ने। ठीक है, अब सी डी ई ले लिया तो भाई इसकी एफ डीज क्या रह गई, एफ डीज वही ए बी सी एफ, इसकी क्या हो गई सी डिपेंडेंट। कई चीज़ अपन को समझ में आ रही है, आया ना, क्या अब इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है दोनों के अंदर? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि भाई एटलीस्ट दो वो होने चाहिए। तो क्या अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया थ्री एन एफ के अंदर? हाँ जी, कन्वर्ट कर दिया है, क्या सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये थ्री एन एफ में होने वाली? बिल्कुल कर रहा है। चलो भाई आगे चले जाते हैं, फिर अगला अपना टॉपिक आता है बी सी एन एफ। भाई इसके अपन जब पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो भाई आपको और क्लियरिटी एक बार दिमाग में आ जाएगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या कुछ पार्ट अपन पढ़ रहे होंगे या रिवीजन के टाइम पे जब अपन ऑब्वियसली बात है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अपना मेन क्या है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आना। बट एक अभी भी मेरे को लगता है इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखो कि भाई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है वो अपन ने अपन देख ली कि मान लो कि भाई ये आपस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि भाई इससे सी आ रहा है, इसके अंदर सी से अपन इसको डेराइव कर सकते हैं, अपन उसको निकाल सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाती है। ओके चलो भाई, अब अपना टॉपिक आता है अगला, आज का अपना दूसरा टॉपिक है बी सी एन एफ, बी एम सी कोड ऑफ
नॉन ऑफ फॉर्म। और नॉन ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी होती है, तो बेसिकली क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है इसमें, कि भाई पहले तो भाई 3NF के अंदर हो, रिलेशन किस में हो, 3NF के अंदर हो, और क्या चेक होना चाहिए। एक इसके अंदर कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए ए और बी आपस में एसोसिएट हो रखे, तो ए क्या होना चाहिए, ए इज अ सुपर की, सुपर की होनी चाहिए आपकी ए, यानी एलएचएस साइड पर। अब भैया क्या हो गया, क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, तो मैं तेरे को आपको है ना क्या करता हूँ, एक थोड़ा डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ इसकी, या डेफिनेशन बता देता हूँ कि लिख लो कि अ रिलेशन आर इज सेट टू बी इन बी सी एन एफ इफ इट इज ऑलरेडी इन 3NF एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिपेंड डिपेंडेंट सॉरी ए एसोसिएट विद बी या बी डिपेंडेंट टू ए, तो ए शुड बी अ सुपर की। ठीक है, तो सपोज फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके बीच में, बी और ए के बीच में, यानी बी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर। इस केस में क्या होना चाहिए, अगेन वही कि ए शुड बी अ सुपर की। भाई सुपर की वाला अपन ने कंसेप्ट ले गया था, सुपर की वाला कंसेप्ट क्लियर किया था अपन ने, अगर नहीं क्लियर किया था तो भैया बता दो भाई एक बार, गड़बड़ है ये तो। पुराने टॉपिक से ऐसे क्लियर करते करते अपन आप भूलते जाओगे, तो भाई ये तो आगे वाली चीज़ों के अंदर तो आपको प्रॉब्लम आती जाएगी। क्या होती है सुपर की, अगर फटाफट कमेंट करके लिखा दो भैया, भैया ये सुपर की होती है, हमको याद है, हम भूले नहीं हैं। ठीक है, तो अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं इसके, बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। पहला अपन ने एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर अपन ने लिया कि देर इज अ रिलेशन आर, अभी आर रिलेशन ले लिया, उसके बीच में क्या क्या ले लिया, उसके एट्रीब्यूट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, इनकी एफ डीज क्या हुई, एफ डीज मान लो दे रखी है अपन को, कुछ भी ले लो यार, फॉर एन एग्जाम्पल ए बी अपन ने सी डी से ले लिया है ना, अगेन आपने डी को किसे ले लिया, डी को उठा लिया आपने, डी के अब से बी मिल गया, ठीक है, तो ये ऐसे टाइप की कुछ मैंने ले ली। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें आपकी सुपर की कौन कौन सी है, बताओ या पहले की कौन कौन सी, तो अपने मान लो अपने पहला तो हो गया भाई ए बी, तो हो गया कि ए बी की हेल्प से अपन क्या क्या निकाल पा रहे हैं, ए बी की हेल्प से अपन क्या क्या निकाल पा रहे हैं, ए बी सी डी सारे उसको निकाल पा रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूँ अगर बी उसमें आ रहा है तो क्या मैं बी को रिप्लेस करके डी रख दूँ, क्योंकि भाई बी किस पे डिपेंडेंट है, डी के ऊपर, कौन सा रूल हो गया, कौन सा रूल हो गया, फटाफट कमेंट में लिख दो। तो अपन लिख दिया एक ही जगह, अब क्या इसकी ऐप से मैं सब कुछ निकाल पा रहा हूँ, अगेन हाँ निकाल पा रहे हैं अपन सब कुछ, ठीक है, तो ये चीज़ हाँ या ना क्लियर हो रही है, नहीं हो रही अपने को, बिल्कुल हो रही है। फिर इसके बता दो मेरे को प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, भाई इनके प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो गए, अपने प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए इसके अंदर ए बी डी, ए
डी ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट ए बी डी होगा तो भाई नॉन प्राइम कौन से हो गए, ऑब्वियस सी बात है कौन से रह गए, सी कौन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया इसमें सी। क्या बात क्लियर हो रही है भाई? बिल्कुल हो रही है भाई। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? जो है प्राइम एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं है। प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा पार्ट होता है भाई? जो आपकी की का पार्ट है, ये दोनों यानी ए बी और डी। ठीक है अब भाई चेक करना शुरू करो, क्या ये वन एन एफ के अंदर है? और सी बात है वन एन एफ के अंदर है, क्या टू एन एफ के अंदर है? चेक कर लेते हैं, यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी है मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्या आपके ख्याल से है? नहीं है, यस नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये क्या है भाई? टू एन एफ के अंदर भी है, क्या इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? पा रहा है बताओ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है नहीं है। अब मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है इसमें। अब क्यों नहीं है भाई, मेरे को फटाफट कमेंट में बता दो, ये तो मैं श्योर हूँ नहीं है। क्यों नहीं है वो आप बता दो, फिर मैं समझ जाऊँगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है नहीं है। ये अभी अपने ऊपर ही पढ़ा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में दोबारा, क्यों नहीं है वो बता दो। ऑब्वियस ही बात है डिपेंडेंसीज में नहीं है, तो अपन से कवर कर लेते हैं। ठीक है आप मेरे को ये बताओ, क्या ये जो बची हुई चीज़ें हैं यानी आपका जो डी है, क्या ये सुपर की है? नहीं भैया सुपर की तो नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बी सी एन एफ के अंदर नहीं है? नहीं है भैया, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अपनी कंडीशन ही क्या है कि अगर ए अगर बी आपस में एसोसिएटेड है या बी ए पे डिपेंडेंट है, तो भाई बी के साथ में जो चीज़ आ रही है यानी ए क्या होना चाहिए आपका? सुपर की होना चाहिए। इसमें क्या डी आपका सुपर की है? बिल्कुल नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे? अगेन डीकम्पोजिशन परफॉर्म करोगे। डीकम्पोजिशन कैसे परफॉर्म करेंगे अपन, कैसे परफॉर्म करोगे डीकम्पोजिशन बताओ भाई? भैया हमको एक बार बता दो कि भाई कैसे हो रहा है, क्या डिकम्पोजिशन वाला पार्ट हो रहा है, क्या प्राइम क्या नॉन प्राइम, कैसे डिपेंडेंस है, कैसे सुपर की है, क्या चीज़ है? चलो ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट अपन ने जो करा इसको अपन लिख लेते हैं कि भाई अपना फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई फॉर अपन ने क्या ले लिया, एफ डी ले ली। कौन सी एफ डी ले ली? एफ डी का मतलब हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए बी इसके साथ है, सी डी के साथ। ठीक है ए बी किसके साथ है? ओके सी डी के साथ। अब क्या इस केस के अंदर ए बी की है बताओ? ए बी की है, हाँ जी की है, कहाँ है भाई? ये डी। ठीक है भाई, तो पहली कंडीशन ठीक है चल रही है, दूसरी आ जाओ फॉर एफ डी कौन सी? डी ये। अब क्या इसके अंदर डी है कि नहीं? भैया ये तो नहीं है, तो क्या अपन ही कह सकते हैं कि भाई ये बी सी एन एफ के अंदर नहीं है? और बस ये बात है भाई, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपकी डी की नहीं है, नो डी। ठीक है तो भैया ये जब कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये बी सी एन एफ के अंदर नहीं है। और अगर नहीं है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए अपन को करना पड़ेगा डीकम्पोजिशन। भाई मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिख दिया, या अपन कह सकते हैं डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में लिख दिया। ठीक है तो इसको भाई नॉर्मल अपन इंजीनियर सारी लैंग्वेज में लिख देते हैं। अगेन थोड़ी थोड़ी डॉक्टर की राइटिंग है भाई, देखो ऐसा है इंजीनियर बाय प्रोफेशन डॉक्टर बाय हार्ट। ठीक है तो भैया डिकम्पोजिशन अपनों करना है। ठीक है डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या करेंगे? अगेन टुकड़ों के अंदर बांट देंगे। कौन सी दिक्कत कर रही है? ये वाली चीज़ दिक्कत कर रही है, तो इसको क्या करेंगे? था कि अपन फेंक देंगे अलग टेबल के अंदर। तो अपनी जो बेस टेबल हो गई वो अपन ने क्या बना दी? अपनी रिलेशन अपन ने वन बना दिया, मान लो अपना आर वन हो गया। भाई कौन कौन सी चीज़ें अपन को दिक्कत नहीं कर रही? अपन को दिक्कत नहीं कर रहा भाई इस केस में
एबीडी या सॉरी कौन सा दिक्कत नहीं कर रहा। एक मिनट शायद कुछ गलती हुई अपन से। ये प्राइम कैंडिडेट की तो ये थोड़ी होगी, कैंडिडेट की तो अपनी होगी। अपनी कैंडिडेट की क्या होगी, कैंडिडेट की होगी अपनी इन तीनों को मिला के ए बी डी। क्या चीज़ अपन क्लियर हो रही है, ये तो आपकी सुपर की हुई थी, कैंडिडेट की अपनी ही होगी। ठीक है अभी तो भाई फिर ये वाला पार्ट आया। क्या चीज़ अपन क्लियर हो रही है। चलो भाई अपना पहला कौन कौन सी अपन दिक्कत नहीं कर रहे इसमें, अपना दिक्कत नहीं कर रहा अभी, अपनी ऑब्वियस बात है अपनी तीनों जो अपनी कैंडिडेट की। सेकेंडली अपना आर टू बना दो। आर टू के अंदर क्या बनाना है अपने को बताओ भाई, कौन सा बनाना है जो बच गए, कौन कौन से बच गए। डीबी, डीबी को बना दो अगले टेबल में। अब इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी आपकी, ऑब्वियस ही बात है। आपका कौन कौन सा साथ में आ रहा था, मैं आ रहा था ए बी और सी डी साथ में, ए बी और सी डी। अब सी तो बचा ही नहीं, डायरेक्ट डी आ गया, जब बी को उठा के यहाँ लियो अपन ने कर दिया। ए किस पे डिपेंडेंट है या ए किसको वो कर रहा है, ए कर रहा है अपने सी डी को। ठीक है और यहाँ एफ डी क्या रहेगी, यहाँ आपने नोटिस कराओ कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है भाई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है यहाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि आपने जो पहले वाली जो डिपेंडेंसी थी, तो अपन कह रहे थे कि भाई ए बी किस में वो है, ये वाली जो डिपेंडेंसी थी अपनी, इसको अपन प्रिजर्व नहीं कर पाए। इसको प्रिजर्व कैसे नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्या चीज़ हो गई, क्या प्रॉब्लम्स आ गई, वो अपन आगे आने वाले टॉपिक से अपना क्लियर कर रहे होंगे। बट आप मेरे को एक नॉर्मल बता दो, अगर अपन को बी सी एन एफ में कन्वर्ट करना है तो अपन को ये चीज़ें, अपन को दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला तो हो गया आपका ये वाला, सेकंड हो गया आपको इसको डिकम्पोजिशन करके जो ये प्रॉब्लम वाला पार्ट है उसको अलग फेंक देना। क्या मेरे को बताओ बी सी एन एफ और आपका थ्री एन एफ क्लियर है नहीं है, अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो भाई जो डाउट्स हैं आप वो कमेंट में लिख दो। क्योंकि भाई मेरे को पता है आज वाली क्लास में थोड़ा लेस इंट्रैक्शन हुआ होगा आप लोगों के साथ में, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाए होंगे। बट मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि भाई ये जो तीन चार टॉपिक हैं बी सी एन एम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म वाले, ये अपन दोबारा क्लियर कर रहे होंगे साथ में बैठ के, जब अपन पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे होंगे। दो तो मेरे को पता है 1 NF 2 NF सब वो 110% क्लियर हो गए, बट आज वाली वीडियो के अंदर क्या हुआ, थोड़ा इंट्रैक्शन कम हो पाया। ठीक है द सेम टाइम एक सिमिलर टाइप की न्यूज़ आपके लिए और है कि भाई इस आने वाले एक वीक के अंदर अपनी जो 8 PM की क्लास है जो अपन डेली लाइव रहते हैं, इसकी थोड़ी इरेगुलरिटी रहेगी, कभी हो गई कभी नहीं हुई। क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है त्यौहार का टाइम आ रहा है, आप लोग भी फ्री रहोगे फ्री नहीं रहोगे, घर पे कुछ काम कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, तो भाई मैं आप लोगों के लिए थोड़ा वो कर रहा हूँ कि भाई हाँ 8 बजे की थोड़ी क्लास है, इसको थोड़ा इरेगुलर करते हैं। हो सकता है अभी कभी सुबह क्लास हो गई, हो सकता है कभी आपकी शाम को हो गई, बट आपको जुड़े रहना है इसके साथ में अनअकैडमी कंप्यूटर चैनल के साथ में, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके कि भाई कब क्लास हो रही है कब क्लास नहीं हो रही है। ठीक है तो भाई ये वाला जो वीक है इसमें थोड़ी इरेगुलर क्लासेस रहेंगी। साथ साथ में आप मेरे को क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पे डाउनलोड करके वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई अपने जो कितने पी वाई क्यूज है 7 डेज के अंदर, यहाँ ये क्लासेस का किस पे हो रही होंगी भाई, ऑब्वियसली बात है स्पेशल क्लास पे रेगुलर क्लासेस हो रही होंगी, जिनकी हेल्प में अपन भाई ये दोनों चीज़ें भी क्लियर कर लेंगे साथ साथ के अंदर ना, पी वाई क्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, आपके इंट्रेक्शन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई जो अपनी क्लासेस हैं उसके लिए आप मेरे को क्या किस पे फॉलो कर लो, स्पेशल क्लासेस पे। ठीक है तो कुछ एक वीक के लिए 8 बजे वाली क्लासेस थोड़ा इरेगुलर रहेगी।
उसके लिए आप स्पेशल क्लास पे जाके आप वो कर लो, आप मेरे को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो ताकि जो रेगुलर अपडेट्स है वो आपको मिल जाए, भाई कब क्लासेस होने वाली, क्या होने वाला है, क्या ये चीज़ क्लियर है, हाँ या ना बताओ। अगर हाँ क्लियर है तो भाई त्योहारों के बीच में अनअकैडमी भी आपके लिए कुछ लेकर आया है। अब क्या लेकर आया भैया, वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फेस्टिवल के बीच में बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स। कौन कौन से ऑफर्स लाए हैं भाई? सेव अप टू 50% ऑन योर CSIT सब्सक्रिप्शन एंड विथ अ 4 month ऑफ फ्री एक्सटेंशन। भाई कब से शुरू हो रहा है भाई? 9 month से शुरू हो रहा है, 9 नवंबर से शुरू हो रहा है भाई, आपकी कल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो भाई आज बेस्ट टाइम है, फटाफट जाके इसको इनरोल कर लो। ठीक है, और जाओ जब एक यश कोड नाम का कोड आप यूज कर सकते हो। कौन सा कोड? यश 10। अब यश 10 आपने यूज करा तो आपने क्या कर सकते हो, अपने डिस्काउंट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, या आपका ब्रह्मास्त्र बैच है। ठीक है, फिर आपके फेस्टिवल के बीच में आपको वही एक्चुअली 50% ऑफ तक का मिलेगा, वो कर रहा है CSIT सब्सक्रिप्शन में 4 के, उसके साथ में आपके वही प्लस हो गया, आइकॉनिक वाला हो गया। और प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या है, एक ये भी आपका वो हो गया, इसके अंदर आप भी यश 10 यूज़ कर सकते हो। ये भी 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, ब्रह्मास्त्र प्लस बैच फॉर गेट 2024 में आपको टॉप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। प्लस DSEI के लिए कुछ एक्सक्लूसिव बैचेस भी हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले ही अनअकैडमी में आपको इतना बढ़िया ऑफर दे रखा है, जो 16,999 की जगह आपको 9,999 मिल रहा है, प्लस एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं किसके, जस्ट एक कूपन कोड यूज करने के। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से क्लासेस कल से शुरू होने वाली है इनकी, तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि आप भाई रेज एंड फीचर है, क्लास हैंड आउट, क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस पेपर, एजुकेशन कम्युनिटी, स्टडी मटीरियल इन PDF फॉर्म, इंडिया टॉप एजुकेटर्स पढ़ने का मौका। और अब जब एक अच्छी कम्युनिटी के बीच में पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको पता रहता है कि आपकी रैंक कहाँ चल रही है, आप लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, क्या क्या चीज़ें आ पा रही है। उसके लिए अपन डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गई, आपके टेस्ट लेसन वगैरह हो गए। ठीक है, तो और ये कुछ टॉपर्स हैं जो आप लोगों के बीच में से निकल के आए हैं। तो भाई मैं चाहूँगा कि आप में से किसी ना किसी की फ़ोटो या आपके सबकी फ़ोटो अगले साल यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो भाई या दैट्स इट। अगर कुछ भी आपको डाउट हुआ हो आज की क्लास में तो भाई आप कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। ओके बाय।